दोस्तों, जब भी हमें घर या मकान बनाना होता है तो ऐसे में हमें सबसे पहले जरूरत होती है कॉन्ट्रैक्टर की, मींस ठेकेदार की। अब घर बनाने का काम बेसिकली दो तरीके से दे सकते हैं। पहला, लेबर बेसिस पर, जिसमें ठेकेदार सिर्फ लेबर अरेंज करता है, बाकी मटेरियल वगैरह की सारी जिम्मेदारी आपकी रहती है। और सेकंड, विद मटेरियल काम देकर, जिसमें आपकी कोई भी हेडेक नहीं रहती, लेबर और मटेरियल सारी जिम्मेदारी ठेकेदार की रहती है, वह खुद से ही अरेंज करता है। तो सबसे पहले तो आपको यह डिसाइड करना है कि आपको मकान का काम देना कैसे है, विद मटेरियल या लेबर बेसिस पर। क्योंकि जब आप विद मटेरियल काम देते हैं तो ऐसे में होमओनर और कॉन्ट्रेक्टर के बीच में विवाद होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, कभी मेटेरियल की क्वालिटी को लेकर, कभी मेजरमेंट के तरीकों को लेकर, और सबसे ज्यादा पेमेंट को लेकर। तो जब भी आप विद मटेरियल काम दे तो सबसे पहले तो आपको ठेकेदार के साथ एक कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट जरूर बनवा लेना चाहिए, ताकि बाद में किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सके और ठेकेदार द्वारा गलत काम किए जाने पर उससे जुर्माना वसूल किया जा सके। क्योंकि दोस्तों, घर बनाने में हमारी जीवन भर की जमा पूंजी लग जाती है, इसीलिए घर बनाते हुए हमें जरूर सावधान रहना चाहिए और एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर हमें कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट जरूर बनाना चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट बनाते हुए हमें इसमें क्या क्या चीजें मेंशन करानी चाहिए, मीन्स लिखवानी चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब डिटेल में बताऊंगा। तो जो होम ओनर मकान बनवाने की सोच रहे हैं या कॉन्ट्रेक्टर को हायर करने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो खास इंपॉर्टेंट है, तो वे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, भले ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़े या ना जुड़े, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, और ज्यादा ही अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि यह जानकारी और लोगों के भी काम आ सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ज्यादा समय ना खराब करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप एग्रीमेंट बनवाएंगे, मेनली आपको 5 चीजों को माइंड में रखना है। नंबर 1, टाइम, के कॉन्ट्रेक्टर आपका मकान कितने टाइम में बना के देगा। नंबर 2, रेट, कि किस काम का कॉन्ट्रेक्टर का क्या रेट रहेगा। नंबर 3, स्कोप ऑफ वर्क, के कॉन्ट्रेक्टर का जो भी रेट तय हुआ है उसमें वह क्या क्या काम करेगा। नंबर 4, क्या क्या चीजें कॉन्ट्रेक्टर के स्कोप में नहीं होंगी, मीन्स होम ओनर को देनी होंगी। और नंबर 5, पेमेंट टर्म्स, कि आप उसे पेमेंट कैसे कैसे करेंगे। मेनली एक हाउस कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट में ये 5 चीजें ध्यान में रखकर ही एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। आइए 1 by 1 इनके बारे में डिटेल में समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको एक बेस्ट कॉन्ट्रेक्टर यानी कि एक अच्छा ठेकेदार कैसे चूज करना है। इसके लिए आपको मेनली 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली, तो जब भी आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए ठेकेदार देखें तो हमेशा एक ऐसा ठेकेदार देखें जिसका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, यानी कि उसे घर का काम करते हुए मिनिमम 5 साल से ज्यादा हो गए हो। क्योंकि जब आप घर बनाते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में इतनी ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं पता होती, पर अगर आपका कॉन्ट्रेक्टर एक्सपीरियंस होगा तो वह आपका काम बहुत ही बढ़िया तरीके से करके देगा। दूसरा, जब भी आप कॉन्ट्रेक्टर हायर करें तो उसकी पुरानी या लेटेस्ट साइट पर जरूर विजिट करें, जहां उसका काम खत्म हो चुका हो या चल रहा हो। इससे आपको उसकी काम करने की क्वालिटी का पता चल जाएगा और वहां के मालिक से भी उसके बारे में फीडबैक जरूर लें कि वह काम कैसा करता है, समय पर काम पूरा करके दिया या नहीं, मेटल कैसा यूज करता है, वगैरह वगैरह। तो तीसरी और सबसे मेन बात कि कभी भी आपको कम रेट के कॉन्ट्रेक्टर को हायर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रेक्टर काम लेने के लिए कम रेट में काम तो ले लेते हैं, पर जब उन्हें पता चलता है कि यह काम उनके बजट से बाहर जा रहा है तो ऐसे में वो या तो काम को स्लो कर देते हैं, बार बार पेमेंट की डिमांड करने लगते हैं, या काम को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप नया कॉन्ट्रेक्टर भी हायर करते हैं तो एक तो वो छोड़े हुए काम की एक्स्ट्रा पैसे लेगा, दूसरा कोई भी गलती होने पर अगर आप उससे कुछ कहोगे तो वह एक ही स्टेटमेंट देगा कि यह गलती पिछले कॉन्ट्रेक्टर की है। तो ऐसे में अल्टीमेटली नुकसान आपका ही होगा। तो कॉन्ट्रेक्टर हायर करते हुए आप पहले मार्केट में चल रहे रेट पर भी ध्यान दें। तो ये 3 बातें आपको हमेशा कॉन्ट्रेक्टर सिलेक्ट करते हुए जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। सबसे पहले आपको 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर मकान मालिक का नाम, पता, स्थान का नाम, मींस कौन सी जगह आप मकान या दुकान बनवा रहे हो, और मकान मालिक का फोन नंबर मेंशन करवाना है। दूसरा, जिस ठेकेदार को आपने काम दिया है उस ठेकेदार का नाम, पता और उस ठेकेदार का फोन नंबर भी मेंशन करवाना है। तीसरा, अगर आपके और ठेकेदार के बीच कोई मीडिएटर है तो उसका भी नाम, पता और फोन नंबर एग्रीमेंट में होना चाहिए। और चौथा, जो भी आपका सिविल इंजीनियर या कंसल्टेंट है जिसने आपकी डिजाइन ड्राइंग बनाई है उसका भी नाम, पता और फोन नंबर आपको एग्रीमेंट में लिखवाना चाहिए, और इन चारों के सिग्नेचर एग्रीमेंट पर होने जरूरी है। आइए अब बात करते हैं कि आपको एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें मेंशन करानी चाहिए। तो सबसे पहले हमें टाइम जरूर मेंशन कराना चाहिए कि कॉन्ट्रेक्टर कितने समय में आपको घर कंप्लीट करके देगा, और ये मेंशन कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका कंस्ट्रक्शन टाइम बढ़ता है वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है। तो काम कंप्लीशन का टाइम
एग्रीमेंट में जरूर मेंशन कराएं। इसके साथ साथ ये कंडीशन भी लिखवा दें कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने काम समय पर कंप्लीट नहीं किया तो उसे क्या पेनल्टी देनी होगी, 1 महीने लेट होने पर कितनी, 2 महीने लेट होने पर कितनी और 3 महीने से ज्यादा लेट होने पर कितनी। सेकंड, आपको मेटल के बारे में मेंशन करवाना है। अगर आपने विद मेटल काम दिया है तो कि वह मेटल कौन सा यूज करेगा, कौन सी सीमेंट यूज करेगा, किस ग्रेड की और किस कंपनी की, स्टील कौन सा रहेगा, ब्रिक्स कौन सी रहेंगी, पेंट किस कंपनी का रहेगा, टाइल्स और प्लम्बिंग मटेरियल कौन सा रहेगा, ये सब भी आपको एग्रीमेंट में जरूर मेंशन करवाना है। क्योंकि होता क्या है कि शुरुआत में तो हम भी मटेरियल पर ध्यान देते हैं और ये बात कॉन्ट्रैक्टर को भी पता होती है और वो एक नंबर क्वालिटी का सब मटेरियल लेकर आता है, जैसे रोड़ी, सरिया, ईंट और रेत वगैरह, पर बाद में हम भी अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं और वो घटिया मटेरियल लगाना शुरू कर देता है। और कई बार जब हम देख लेते हैं तो वो बोल देता है कि सर इमरजेंसी में इस बार मंगाना पड़ गया, मिल नहीं रहा था। तो हमेशा होम ओनर को समय समय पर मेटल की क्वालिटी चेक करते रहना चाहिए और अपनी सुपरविजन में ही काम करवाना चाहिए। थर्ड बात करें कॉन्ट्रैक्टर के रेट की, कि उसमें क्या क्या चीजें मेंशन करानी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपको ये मेंशन कराना है कि आप क्या बनवा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं या फैक्ट्री वगैरह, ये जरूर लिखवाएं। सेकंड, अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो कितने फ्लोर तक बनवा रहे हैं, ओनली ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर तक है, सेकंड फ्लोर तक है, थर्ड फ्लोर तक है या बेसमेंट के साथ है, ये भी आप जरूर मेंशन कराएं। क्योंकि हर फ्लोर का कंस्ट्रक्शन रेट अलग अलग होता है और बेसमेंट का अलग, तो हर चीज का रेट भी क्लियर मेंशन करवाएं ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। जैसे स्टेयर्स, स्लैब और छज्जे की क्या रेट होगी, स्टेयर केस का क्या रेट होगा, सिंगल या डबल, आरसीसी या ब्रिक्स की जो पानी की टंकी बनेगी उसका क्या रेट होगा, जो सेप्टिक टैंक बनेगा उसका क्या रेट होगा, जो टाइल्स या मार्बल लगेंगी उसका क्या रेट होगा और वो घिसाई और पॉलिश के साथ होगी या नहीं, यदि घर के बाहर कोई बाउंड्री बनेगी तो उसका क्या रेट होगा। तो इन सभी का रेट डिसाइड करके आपको पहले ही एग्रीमेंट में मेंशन करा देना है, नहीं तो बाद में कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि ये काम तो इस रेट में था ही नहीं और आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करता है। थर्ड, कॉन्ट्रैक्टर आपका मेजरमेंट किस तरीके से करेगा, आपको ये भी मेंशन कराना है। फोर्थ, आपको ये लिखवाना है कि आप मेटल साइट से कितनी दूरी तक दोगे, क्योंकि कई बार बड़ी गाड़ी साइट तक नहीं पहुंच पाती और उन्हें साइट से 50 से 100 फीट की दूरी पर ही अनलोड करना पड़ता है। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर बोल सकता है कि मुझे तो मेटल साइट पर ही चाहिए, इसमें आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है लेबर वगैरह लगाने में, तो ये भी आपको पहले ही मेंशन करवा देना है। नंबर 5, आपको ये भी जरूर लिखवाना है कि मेरी साइट पर जो भी मटेरियल बनेगा वह मिक्सचर मशीन से ही बनेगा, क्योंकि फ्रेंड्स हाथ से बने मसाले और मिक्सचर से बने मिक्स में बहुत फर्क होता है, क्योंकि हाथ से बनाने पर यह ढंग से मिक्स नहीं हो पाता और आपको जगह जगह अपने मकान में हनीकॉम देखने को मिलती है। तो ये भी आपको जरूर मेंशन करवाना है कि आपकी साइट पर जो भी मटेरियल बनेगा वह मिक्सचर से ही बनेगा। नंबर 6, मिक्सचर मशीन और कंक्रीट वाइब्रेटर या प्लेट वाइब्रेटर कौन देगा, मालिक या कॉन्ट्रैक्टर, ये भी जरूर लिखवाएं। नंबर 7, फाउंडेशन की गहराई कितनी होगी या ड्राइंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये भी मेंशन कराना है। नंबर 8, स्टील बार का डाया क्या होगा। नंबर 9, कंक्रीट का ग्रेड क्या रहेगा। नंबर 10, बिजली पानी की पेमेंट कौन करेगा, क्योंकि कई बार आप कह देते हैं कि चलो यार ये तो हमारे पास है, ये हम आपको दे देंगे, पर ऐसा कहने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि अगर बाय चांस किसी दिन लाइट नहीं आई तो फिर कॉन्ट्रैक्टर आपसे जनरेटर मांगेगा, या पानी नहीं आया तो टैंकर आपसे मांगेगा, जिसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये बात पहले ही एग्रीमेंट में मेंशन जरूर करें कि बिजली पानी किसका रहेगा, वैसे ये ओनर के स्कोप में ही होता है। नेक्स्ट, क्यूरिंग कौन करेगा, कितने दिन होगी और कितनी बार करेगा, ये भी मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर नहीं करते, होम ओनर को ही एक लड़का रखकर करवानी पड़ती है। प्लिंथ बीम रोड से कितना ऊंचा होगा, नॉर्मली ठेकेदार 3 फीट तक ही रखते हैं और अगर रोड के अकॉर्डिंग 5 फीट तक रखना पड़ जाए तो कॉन्ट्रैक्टर एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करते हैं, तो ये भी आप पहले ही एग्रीमेंट में मेंशन करवा दें। नेक्स्ट, के वर्टिकल वॉल की हाइट कितनी रखी जाएगी, 9 फीट, 10 फीट या 11 फीट। नेक्स्ट, के प्लिंथ बीम तक मिट्टी भराई कौन करवाएगा, जो मोस्टली मालिक को ही करवानी पड़ती है, ये चीजें भी आप पहले ही मेंशन करवाएं। प्लास्टरिंग के कितने कोट होंगे, पुट्टी और पेंटिंग के कितने कोट होंगे, पेंट कौन सा यूज होगा, डोर और विंडो के फ्रेम कौन से रहेंगे, एल्यूमिनियम, वुडन या कंक्रीट के, फ्लोरिंग वह कैसा देगा, कच्चा या पक्का, ऊपर की 2.5 फीट तक की जो पैरापेट वॉल होगी वो कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा या नहीं, डीपीसी देनी है या टाई बीम, हर तरह का सेटिंग मटेरियल कौन देगा, साइट पर जब भी कोई मटेरियल आएगा तो उसे अनलोड कौन करवाएगा, मालिक या ठेकेदार, कंस्ट्रक्शन टूल्स जैसे फावड़ा, तगारी, फंटी, सीढ़ी, ये सब कौन देगा, किसके स्कोप में रहेंगे, मेन गेट का रैंप कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा या नहीं, और मेजरमेंट करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से पैमाइश करते हैं। वैसे तो आपका एरिया आउटर टू आउटर माना जाता है, मींस आपकी छत पर पैरापिट वॉल से पैरापिट वॉल तक नापी जाती है, तो ये भी आप जरूर मेंशन कराएं कि मेजरमेंट करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि कई बार कॉन्ट्रैक्टर स्टेयर केस का भी 2 बार में रेट लेते हैं, छत तक अलग और छत के बाद जो स्टेयर केस बनेगी उसका अलग और उसे ढकने का अलग। तो ये सब बातें आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट बनाते हुए जरूर लिखवानी चाहिए। तो ये तो वो बातें थी जो आपको एक एग्रीमेंट में जरूर मेंशन करवानी चाहिए। इससे आपको एक आइडिया जरूर मिल जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें एक अपने एग्रीमेंट में लिखवानी है। आइए अब हम बात करते हैं पेमेंट टर्म्स की, जो आपको एग्रीमेंट में जरूर मेंशन करवानी होती है।
और कभी भी कॉन्ट्रैक्टर को ज्यादा एडवांस पैसे नहीं देने हैं, नहीं तो आपका काम स्लो हो जाएगा और वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। अब आप इसे कैसे मेंशन कराएंगे? तो इसे आप परसेंटेज में मेंशन करा सकते हैं, जैसे फाउंडेशन और डीपीसी तक काम कंप्लीट होने पर 20% पेमेंट दी जाएगी, डोर लेवल तक काम कंप्लीट होने पर 30% पेमेंट दी जाएगी, छत तक पहुंचने पर 40% दे दी जाएगी, छत ढलाई पर 55% तक पेमेंट दे दी जाएगी, पैरापिट वॉल और प्लास्टिंग कंप्लीट होने पर 70% पेमेंट कर दी जाएगी, फर्श कंप्लीट होने पर 90% पेमेंट दे दी जाएगी और लास्ट में सभी काम कंप्लीट होने पर पूरी तरह से सारा काम जब कंप्लीट हो जाए इन एवरी एस्पेक्ट तो 100% पेमेंट दे दी जाएगी। और इन सब रनिंग बिल में आपको 5% सिक्योरिटी जरूर काटनी है और ये एग्रीमेंट में जरूर मेंशन करा देना है कि ये जो आपकी 5% सिक्योरिटी है ये पेमेंट आपको 2 महीने 3 महीने या 6 महीने बाद दी जाएगी, क्योंकि ताकि बाद में जब आप मकान में रहने लग जाओ और कोई प्रॉब्लम आए तो कॉन्ट्रैक्टर उसे ठीक करने से मना ना करे। तो ये सब बातें आपको कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट बनवाते हुए जरूर मेंशन करानी चाहिए। इसके साथ साथ लास्ट में आप एग्रीमेंट में एक चीज और लिखवा दें कि किसी भी तरह का विवाद होने पर जो 2 आदमी फैसला करेंगे वही मान्य होगा। आप 2 आदमी कौन? एक सिविल इंजीनियर और दूसरा मीडिएटर। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखकर ही एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनवाएं, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप कि ये जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा ही पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि और भाइयों को भी इसका फायदा मिल सके। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें डायरेक्ट मैसेज करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट को लेकर तो आप हमें कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइस विद अ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।